अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी फारी अख्तर एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज आप लोगों के साथ बारबेक्यू की रेसिपी शेयर करूँगी, चिकन बारबेक्यू। तो अभी जो है हम नाश्ता करेंगे सुबह का और फिर मैं तकरीबन घर का सारा काम करके फिर इंशाल्लाह जो है कुकिंग की तरफ जाऊंगी, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो इससे पहले अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो आइए फ़िलहाल जो है आप लोगों के साथ व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी ये नाश्ता कर रहे हैं, ये फ्रोज़न हम पराठा लेकर आए थे और एक बनाएंगे, मतलब एक भुर्जी बनाएंगे, उसी के साथ ये नाश्ता भी कर लेंगे हम, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो आज इसका बारबेक्यू बनाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 1 किलो चिकन है और इसे अब जो है निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं चिकन के जो है अच्छे से मैंने वॉश करके ऐसे पानी निकलने के लिए नीचे से रख दिया था। अब मसाला तैयार कर लेंगे बारबेक्यू के लिए। पहले जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, तो अब डाल देंगे लहसुन। अब इसमें डाल देंगे मेहरान का तंदूरी मसाला, अब इसमें जो है घर के बेसिक मसाले थोड़े थोड़े करके ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे, फिर आप लोगों को दिखाते हैं बाकी का। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, बस इसे जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे मस्टर्ड ऑयल, के साथ इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें जो है एक एक करके चिकन डाल देंगे और ये चिकन बिल्कुल फ्रेश है, ऐसे ही मार्केट में थोड़ा सा इसका रेट कम होता है लेकिन स्किन वगैरह सब कुछ होता है इसके साथ ही। और इसे फ्राई करके खाने में, बारबेक्यू करके खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। देखिए पीसेस, देखिए कितना बड़ा बड़ा साइज है। इसे जो है अच्छे से अब मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो है मैंने मैरिनेशन कर लिया है, अब इसे आधा घंटे के लिए रख देंगे। देखिए अच्छे से सारे मसाले जो है अंदर तक मैंने डाल दिया है, अब इसे आधा घंटे रख देंगे, फिर बाकी का प्रोसेस दिखाते हैं। One hour later. तो यहाँ पर देख सकते हैं जो है आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है, 1-1.5 घंटा हो चुका है, तो ये और भी अच्छा बनेगा। तो इस साइड में जो है चूल्हा जला दिया है, अब बिना ऑयल के जो है ना एक एक करके इसमें डाल देंगे। ये बड़े साइज पहले डाल देते हैं। तो इसमें मैंने और भी 2 पीसेस दे दिए थे, तो इसे जो है अब कर देंगे, अच्छे से एक तरफ कर लेंगे, मतलब कुक कर लेंगे, फिर दूसरी तरफ करेंगे। ये देखिए पहले जो है कुछ पीसेस जो है पहले हमने कर लिया था, अब इसी के साथ इसको भी ऐड कर देंगे धुआं देने के लिए। बटर भी लगाएंगे इसमें, तो इसमें जो है अब बटर लगा देंगे, उसी के स्किन का जो ऑयल है ना वो उसी से ये फ्राई हो चुका है।
तो इसमें जो है बटर लगा दिया है, अब थोड़ा सा इधर उधर उलट पलट कर देंगे। अब इसके ऊपर जो है कोयला रख देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। देख सकते हैं हमारा बारबेक्यू जो है बिल्कुल रेडी है। और पीसेस देखें ज़रा, अच्छे से कुक भी हुआ है। तो इसी के साथ जो है हमने बनाया है और गरम गरम ये देखें, अभी अभी जस्ट बना, बहुत गरम है। लेटस वगैरह सब कुछ है। एक तोड़ के दिखाते हैं। बहुत ही जूसी, बहुत ज्यादा गर्म है। और ट्राई करके देखते हैं। बिल्कुल, मतलब बाहर जैसे रेस्टोरेंट पे मिलता है ना वैसे ही। तो अभी हम खा पी लेते हैं, तो इसी के साथ व्लॉग को भी एंड करेंगे। तो आप लोगों को व्लॉग कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट कोई व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।